कांग्रेस इंटेक ट्रेड यूनियन का क्षेत्रीय कमेटी का किया गया गठन। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक ट्रेड यूनियन के रडारी प्रखंड अंतर्गत चट्टी बरियातू जोरदार स्कूल प्रांगण में एक बैठक की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से बरियातू कोल माइंस क्षेत्र में क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें इसराइल अंसारी अध्यक्ष फैजल राजा, उपाध्यक्ष महामंत्री निरंजन शाह, सचिव मोहम्मद राजा, परमेश्वर कुमार साहू, आदित्य साहू, जितेंद्र कुमार साहू कोषाध्यक्ष, नरेश उप सचिव, राजेश साहू एवं अन्य 15 पदाधिकारी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिथिलेश दुबे, जिला कार्यकारिणी एवं मीडिया प्रभारी राम कुमार दुबे, केरेडारी प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष सह जिला INTUC सेक्रेटरी अर्जुन राम, जिला सह संगठन सेक्रेटरी रविंद्र कुमार पांडे, केरेडारी कोल माइंस के उपाध्यक्ष जैनुल मियाँ, सरोज कुमार दुबे, शुद्ध सोनी, अनिल साहू, प्रखंड महामंत्री सहित सैकड़ों सदस्य कार्यकर्ता ग्रामीण बैठक में मौजूद रहे। हजारीबाग ब्यूरो, प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आज की बैठक जो रखी गई है, किस मुद्दा पे रखी गई है? आज यहाँ राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर संगठन इंटक का चट्टी बारियातू कोल माइंस में संगठन का चुनाव हेतु हम लोग यहाँ पर जो संगठन अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कमेटी बना रहे हैं उसी के संदर्भ में हम आपस में हम लोग बैठक किए थे। यहाँ लोगों को मजबूत नेतृत्व देने वाला व्यक्ति को हम लोग यहाँ अध्यक्ष बना रहे हैं, उपाध्यक्ष 5 बनाए हैं, एक महामंत्री बनाए हैं, स्थानीय स्तर से जो कमेटी बनाए हैं जो मजदूरों के हित का यहाँ पर बात कर सके। यहाँ स्थानीय जो भी समस्या है, विस्थापन का समस्या है, प्रदूषण का जो समस्या है, इस समस्या को कंपनी के साथ वार्ता करें। वार्ता करने पर अगर कंपनी नहीं मानेगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसी के लिए यह जो है सो मजदूर का एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता है और संजीवा रेड्डी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदेश में हमारे श्री राकेश्वर पांडे जी प्रदेश झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष हैं और हजारीबाग जिला के हम अध्यक्ष हैं, मिथिलेश दुबे मेरा नाम हुआ। हमारे अर्जुन राम जी हैं हमारे जिला के सेक्रेटरी हैं इंटक के, उनको भी है तो नाम दिया हुआ है, 2 दिन में उनका छुट्टी आ जाएगा। हमारे पांडे जी हैं और हमारे जिला सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं और वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं हमारे राम कुमार दुबे जी। हमारे प्रखंड अध्यक्ष हमारे यहाँ रंजीत रजक जी साथ में हैं। हमारे प्रखंड में के महामंत्री हमारे अनिल साहु जी हैं और केरेडारी कोल माइंस के हमारे फैनुल भाई यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं साथ में हैं। यहाँ के हमारे जो इजराइल अंसारी जी, इनको यहाँ इंटक का अध्यक्ष बनाया गया है, वो हमारे साथ में हैं। हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं फैसल रजा, ये साथ में यहीं पर हैं और सब यहाँ के पदाधिकारी लोग आपस में हैं और सब मिल के हम लोग यहाँ पर इस गठन किए हैं यहाँ पर चट्टी बारियातू कोल माइंस का। आप सरकार को इस बैठक से क्या समझाना चाह रहे हैं? सरकार को इस संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ का जो विस्थापन हम लोग का हो गया, हम लोग को यहाँ 75% रोज़गार यहाँ के स्थानीय स्तर को मिले, यहाँ आके कोई बाहर का आदमी आके पूरा डंफर नहीं चलाने लगे, यहाँ वो रोज़गार वो नहीं करे, ज़मीन मेरा जाएगा, रोड पर हम आएंगे, यहाँ 75% जो सरकार का हमारे हेमंत सोरेन का निर्देश है, भारत सरकार का निर्देश है कि कहीं भी कोई रोज़गार देना है जहाँ विस्थापित होगा लोग उसको 75% रोजी देना है, तो यहाँ का जो भी होगा तो यहाँ का आदमी उसको रोजी मिले 75% ना। और चट्टी बारियातू कोल माइंस का लोग जो है कहाँ जाएगा, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है तो यहाँ के लोग को रोजी रोजगार मिले, और नहीं मिलेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। तो हो गया।